दी, आपने तो मुझे इन्हें सीरियस कह के डरा ही दिया था। ये तो रब की कृपा से भली चंगी है। बच्ची आप ऐसे ही रहा करो, बस एक हंसी तो है जिसे सरकार ने टैक्स फ्री रखा हुआ है, और जो चीज फ्री की हो ना उसे खूब यूज करना चाहिए, समझी? अरे इंदु, पता है डॉक्टर क्या बोल रहा था? क्या? अगर इसकी अच्छी तरह से घर पे देखभाल कर सकते हो तो आज ही ले जाओ। अरे भाई ये तो बड़ी चंगी गल है। चलो फिर हम आपको अपने घर ले जाते हैं। अरे वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, नौकर चाकर होंगे, आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। नहीं, ऐसे कैसे बेटी के घर में? शादी ब्याह और तीज त्योहार पे तो ठीक है, लेकिन इस हालत में? सरला जी आप बुरा ना मानना, मैं आपकी माँ की उम्र की हूँ, आप अपनी बेटी के घर नहीं जा सकती ना। मैं तो अपनी बेटी को अपने घर बुला सकती हूँ ना। हाँ अजी, छोड़ो ये मायके और ससुराल के बंधन। ऐसे ही अगर सोचती रही ना आप खुश रह पाओगे और ना ही प्रज्ञा। और मैं तो ऐसी बातें बिल्कुल मन में नहीं लेती, और ना ही मेरा अभी। क्यों अभी? सही कहा ना मैंने, ये हमारे घर में रुकेगी, तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। क्या बात करी है अब दादी, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दादी बिल्कुल ठीक कह रही, आपको हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ लेकिन मुझे जरूर होगी, यहां दो मिनट का नाटक नहीं किया जा रहा, घर पे पता नहीं कैसे करूंगा। माँ अगर इनके घर रुकेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मुझे हर वक्त यही डर लगा रहेगा कि कहीं कहीं इन्होंने अगर माँ को सारा सच बता दिया तो।